वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे आज देवभूमि की, देवभूमि उत्तराखंड की। जी हां, उत्तराखंड आजकल वैसे भी चर्चा में है, तो आज फिर उत्तराखंड को लेकर हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे सवाल आजकल तैर रहे हैं। सवाल भी अलग अलग हैं। एक सवाल तो बड़ा सवाल कि आखिर क्यों बद्रीनाथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारी, आखिर क्यों मंगलोर के अंदर कांग्रेस का जो मार्जिन है वो कम हो गया। लेकिन यहां पर अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो वर्तमान का जो उपचुनाव हुआ है, जिसे लेकर यह कहा जा रहा था कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी, पर एक सीट मंगलोर सीट पर भारी मुद्दा बड़ी तेजी से चला। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से हर किसी ने वहां पर ताकत लगाई, वो ताकत देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी वहां पर सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में चली गई। वैसे भी वहां कांग्रेस मजबूत रहती है, ऐसा कहा जाता है कि काजी का जो जलवा है वो वहां बरकरार रहा और लगातार वहां पर एक जो बड़ा बेनिफिट काजी निजामुद्दीन को मिला वो ये भी है कि वो लगातार लोगों के संपर्क में थे। और सबसे बड़ी बात जो उनके सामने थी कि बाहरी प्रत्याशी वाली जो गूंज थी उसका लाभ भी उनको मिलता दिखा। बसपा का जो वोटर है वो वापस कांग्रेस की तरफ को आता वहां पर भी दिखा, ये एक बड़ा कारण वहां पर है। लेकिन उसके बाद भी यही कहेंगे कि ताकत पूरी लगी, काजी जी बाजी मार गए। लेकिन सबसे बड़ा अचंभा जो है वो है बद्रीनाथ की सीट को लेकर कि आखिर क्यों बद्रीनाथ की जो सीट है वो हारी गई। ऐसा कहा जा रहा है और कहा नहीं जा रहा, बहुत सारे लोग उसकी चर्चा करते रहे कि राजेंद्र भंडारी को जब लिया गया लोकसभा चुनाव में तभी से उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर होने लगा था और बहुत सारे बड़े नेताओं को राजेंद्र भंडारी जैसा मजबूत व्यक्ति वहां पर आना पच नहीं रहा था। और उस सीट के बहुत सारे गणित वैसे भी बैठे हुए हैं। अगर आप देखें बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस मजबूत रही है और उसका नतीजा भी है कि कांग्रेस के लखपत बुटोला बड़े सज्जन व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था उसको टिकट भी मिला और वो जीत के भी आया और मार्जिन थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक मार्जिन से वो जीत के आए। सूत्र ऐसा भी बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी राजेंद्र भंडारी को टिकट देने से खुश नहीं थे। इस तरीके की चर्चाएं भी उत्तराखंड के अंदर है। ये भी कहा जा रहा है कि जितनी ताकत मंगलोर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, अगर उसकी आधी ताकत भी बद्रीनाथ के अंदर लगा दी जाती तो शायद बद्रीनाथ की जो सीट है वो निकल जाती। लेकिन इसे अति आत्मविश्वास कहेंगे या गुटबाजी कहेंगे या तेरा कैंडिडेट या मेरा कैंडिडेट, इसकी लड़ाई कहेंगे। हार तो हुई है, हार हुई है तो फिर बहुत सारे सवाल भी छोड़ गई है। और उसके अलावा जो खतरे की घंटी है अब केदारनाथ की सीट को लेकर भी है, क्योंकि कांग्रेस अब केदारनाथ की सीट पर भी पूरी ताकत के साथ मैदान में आएगी। आखिर संजीवनी मिली है उन्हें, दो सीटें उनके पास आई है, एक उन्हीं की सीट थी लेकिन उसके बाद भी अपनी सीट को उन्होंने बचाया है। तो ऐसे में वहां सवाल यह भी है कि आखिर जो ये हार हुई है इसके पीछे के कारण गुटबाजी थे, इसके पीछे के कारण तेरा कैंडिडेट या मेरा कैंडिडेट था, या इसके पीछे के कारण ये भी थे कि बाहरी कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया है तो उसे हराकर घर वापसी का रास्ता दिखा दिया जाए। ये केवल कयास है ना, हम इस बात को तुल नहीं दे रहे ना, हम ये कह रहे कि ये जो हार जीत हुई है उसके पीछे बड़े कारण हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि अगर बद्रीनाथ सीट पर हार हुई है तो ये बड़ा मैसेज देश के अंदर गया है। लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, विपक्ष ने इसे एकदम हाथों हाथ लिया है, अयोध्या से बद्रीनाथ को जोड़ दिया। अब आप सोच लीजिए कि केदारनाथ के अंदर कितने गुणा भाग शुरू हो गए, और वो केदारनाथ जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीधी नजर रहती है। तो ऐसे में जो खतरे की घंटी बजी है उसे लेकर बहुत सारे लोगों की अब नजरें वहां पर भी शुरू हो गई है। हाँ, सोशल मीडिया की अगर खबरों को हम देखें, उन पर गौर करें तो वो बहुत सारे इशारे करती हैं। वो जो इशारे हैं और वो कितनी उनमें सच्चाई है ये तो वहीं के लोग जानें।
लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर बात चली है तो उसके पीछे कुछ तो है। अगर बद्रीनाथ की सीट पर हार हुई है तो उसके पीछे के कारण बड़े होंगे, क्योंकि जहां से खुद प्रदेश अध्यक्ष हों, जहां से उनको राज्यसभा मिली और जहां उन्होंने पूरी ताकत लगाई हो और उसके बाद भी वहां पर हार होती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर मजबूत हुई है। अगर कांग्रेस वहां पर मजबूत हुई है तो फिर केदारनाथ पर खतरे की घंटी बजनी लाजमी है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो मंथन चल रहा है देहरादून के अंदर, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, उस मंथन के अंदर क्या निकल कर आता है और वास्तव में क्या वो हकीकत बाहर आ पाएगी कि क्यों इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। तो आखिर क्यों बद्रीनाथ सीट पर हारे, आखिर क्यों मंगलोर सीट पर हारे, ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार चलते रहेंगे। फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।